एक 17 साल का होता है लड़का जो एक एडल्ट इंडस्ट्री में जाता है, वहाँ पे वो बहुत सारा नाम कमाता है और मतलब अनगिनत पैसा कमाता है। लेकिन इस एडल्ट इंडस्ट्री का एक पोर्न इंडस्ट्री का भी एक बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है उसके लाइफ में। वही क्या है, क्या उसके साथ अच्छा होता है, क्या उसके साथ बुरा होता है, यही हमारी इस पूरी मूवी में दिखाया गया है। वेलकम बैक हो गया तुम लोग एक अलग वीडियो में यार। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो शुरू करते हैं। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है एडी एडल्ट। वो 17 साल का होता है, उसके पापा उससे ज़्यादा प्यार करते नहीं और माँ उसको बहुत इमोशनल टॉर्चर करती है क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता है, एक नाइट बार में काम करता है। तो एक उस रात एक नाइट बार में एक आदमी आया हुआ था जो कि एक पोर्नोग्राफर था, उसको एसिडिटी बनाने में बड़ा मजा आता था। तो वो उसको देखता है, उसे काफ़ी गुल्डुकी लगता है, वो सोचता है ये मेरी वीडियो में खप सकता है। तो वो एक उसकी एक एक्ट्रेस होती है, वो भी वही एक्ट्रेस होती है, वो उसे बुलाता है और कहता है एक बार इसके साथ सीन बनाना। वो दोनों सीन करते हैं और उसे देख के पता लगता है कि भाई लड़के में काफ़ी स्टैमिना है, ये मेरे वीडियोज़ में काफ़ी खपेगा। तो वो उसे ऑफर करते हैं कि मेरी वीडियो में एक शूट करवा लो, जब रिलीज होगी जितने में परसेंटेज होगा प्रॉफिट का हम तुम्हें दे देंगे। तो लड़का मान लेता है क्योंकि सोचता है पैसे कमाने का कोई तरीका है नहीं। अब दूसरी तरफ उसकी मम्मी जो है उसको घर से निकाल देती है और कहती है कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना तो तुम वहीं जाओ। तो गुस्से में बैग वैग पैक करके जैक के घर पर ही आ जाता है, जो बहुत बड़ा डायरेक्टर होता है पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री का, वो यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद उसको बताया जाता है ये करना है वो करना है, फिर वो तैयार हो जाता है। वहाँ पर एक लीड एक्ट्रेस दिखाया जाता है जिसका नाम होती है मैगी। मैगी जो एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री में मतलब बहुत नाम है उसका, बहुत ज़्यादा नाम है, और उसके साथ उसका सीन होता है। फिर उनकी वीडियो बनती है, वायरल भी हो जाती है और फिर जो अपना एडी है वो बहुत सारे पैसे कमाता है, बहुत सारे उसको अवार्ड फंक्शन में मिलते हैं, उसे अवार्ड दिए जाते हैं ताकत का, खुशी का, गुड लुकिंग का, बहुत तरह के तरीके उसकी लाइफ जो है दिख रही थी कि सेट होने लगी, उसे पैसा चाहिए तो उसे मिलने लगा था। फिर धीरे धीरे करके वो अपना करियर जो है थोड़ा और आगे लेके जाता है, तो वो और थोड़ी लंबी वीडियोज़ बनाने लगता है और जो जैक होता है उसे भी काफ़ी मुनाफा हो रहा था, काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। तो वो भी वहीं जैक की टीम में एक आदमी होता है बिली, जिसकी जो वाइफ होती है वो किसी और आदमी के साथ करती हुई पकड़ी जाती है। जो बिली थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, ये जो बिली है यही जैक का ज़्यादातर काम संभालता है, मतलब ऑडियो वगैरह का, शूटिंग वगैरह का, कैमरे वगैरह की इक्विपमेंट्स वगैरह का, सबका सामान बिली संभालता है। तो बिली जब देखता है कि उसकी वाइफ न्यू ईयर्स की रात को किसी और आदमी के साथ में, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से वो थोड़ा कुकिंग लेता है, नशा वगैरह करता है। फिर धीरे धीरे करके ये जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं इनमें सब में कुकिंग क्या लग जाती है, और फिर एडी भी कुकिंग लेने लगता है जिस वजह से उसकी स्टैमिना खत्म हो गया था। तो वो जाता है जैक के पास, कहता है कि मेरे से नहीं हो रहा, तो जैक कहता है तुम इंडस्ट्री छोड़ नहीं सकते। उन दोनों में काफ़ी थोड़ी बहुत हाथापाई होती है, धक्का मुक्की होती है, और एडी जो है गुस्से में इंडस्ट्री छोड़ देता है। मतलब अब उसका पूरा लाइफ जो है बुरी इंपैक्ट में आने लगी थी। धीरे धीरे करके जो है एडी सोचता है कि मैं म्यूज़िक में करियर बनाऊँ, लेकिन नहीं, म्यूज़िक में उसकी कोई बात जमती नहीं है, उसे कोई प्रोड्यूसर गाना देता नहीं है, कोई उसके बारे में भाव नहीं दिया जाता उसको। तो वो समझ जाता है कि मतलब ना वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा, वहीं उन्होंने जैक से झगड़ा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जो मैगी होती है उसके ऊपर जो है एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी बना वीडियो बनाने का केस हो जाता है, जिस वजह से उसको भी इसी इंडस्ट्री से निकलना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। और जो जैक होता है वो देखता है कि मेरे सारे टीम मेंबर जा रहे हैं तो वो वीडियो नहीं बना पा रहा होता है। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है बिटली, वो एक लड़की जो थी काफ़ी जवान होती है, तो वो सोचता है कि चल इसके साथ ही वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे। तो वो एक वीडियो कामी को बुलाते हैं, कान वो वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन मुझे लड़का होता है वो कहता है कि तुम इतने पिटे हुए राइटर हो, तुम सब ये वीडियो नहीं बनेंगे। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और ये एक्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर ये दोनों उसको मारते हैं, और फिर जब जैक के दिमाग की और सनकती है तो एक काम करता है, वो जाके जो है एडी को भी बहुत पिटवाता है अपने गुंडों से, किराए के गुंडों से। वहीं पर जो ये एक्ट्रेस है वो भी इसको बहुत मारती है और एडी की जान खतरे में आने लगी थी। वहीं एडी को जो है नशे कितनी याद पड़ गई थी, वो नशे वगैरह रह ही नहीं पाता था। और जो मैगी की जो लीड एक्ट्रेस है इसके केस हो गए थे डिफेमेशन, बहुत सारे तरह के इस पर केस हो गए थे। तो इसको तो अब एक डेढ़ साल के लिए बिल्कुल मतलब इंडस्ट्री दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई वीडियो बनाई तो जेल में डाल दी जाएगी, ऐसा उस पर लीगली केस हुआ था। वो काफ़ी रोती है सुनने की, मतलब इसका करियर अच्छा खासा डूब गया। फिर वहीं जो है एक्ट्रेस के ऊपर केस वगैरह चल रहे होते हैं और एडी जो है नशे में तो होता है और उस बार कोई काम वाम भी नहीं होता है। तो एडी का एक दोस्त होता है जो कि सपोर्ट करता है, लेकिन जितने भी उसे पैसे मिलते हैं वो सारे जो नशा खरीदने में लगा जाता है। फिर जो है एडी का जो दोस्त होता है एक दिन जो है सामान लेने जाता है, वहाँ पर कुछ शूटर्स आए थे जो एडी को ढूंढ रहे होते हैं, वहाँ पर वो एडी के दोस्त के मारने की वजह सबको मार देते हैं। तो एडी का दोस्त वहाँ से चुपचाप पैसे उठाता है और वहाँ से चला जाता है। वो समझ गया था कि एडी अब बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। वहीं पर एडी जो है नशे में लगा हुआ था, तो कुछ जो है उसके डीलर्स आते हैं, ड्रग डीलर आते हैं, जो कहता है मैं पैसा दो, लेकिन एडी पे पैसा होता नहीं। तो वो लोग भी एडी पे गन चलाना वगैरह चालू कर देते हैं। एडी भागता भूगता बहुत थक जाता है और वो अब एक ही तरीका सोचता है सबसे छुटकारा पाने का, नहीं सुसाइड नहीं, वो जाता है सीधा जैक के पास। जैक वही जहाँ से सबकी शुरुआत हुई थी, जैक से वो माफ़ी मांगता है, जैक से बहुत सॉरी वगैरह बोलता है क्योंकि उन ड्रग डीलर ने धमकी दी थी अगर पैसे नहीं मिले तो जान से मरे जाओगे। फिर वो जैक के पास जाता है, जैक उसे गले लगाता है, उसे हक वगैरह करता हुआ कहता है बेटा चलो वापस से इन वीडियोज़ को शुरू करेंगे, करके तुम्हारा करियर जो है फिर हम बनाएंगे ऐसा करते, क्योंकि जैक की जो है बहुत बुरी तरीके से छिलने वाली थी, बहुत बुरा मनने वाला था वो। और फिर वो सोचते हैं कि हम वापस ही इंडस्ट्री में आ चुके हैं और फिर वो वापस ही रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। फिर इसी के साथ मूवी खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये जो मैं कि ये एड्रेस थी अब कुछ नहीं कर पाती क्योंकि अब इस पर डिफॉर्मेशन केस है, भी कुछ नहीं कर पाती। वहीं जो है जैक दोबारा से इंडस्ट्री में नाम कमाने लगता है। फिर इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है और जो एक्ट्रेस है दूसरी वाली वो स्कूल चली जाती है, पढ़ाई वगैरह पूरे करने कॉलेज चली जाती है और उन्हें भी इंडस्ट्री छोड़ती है और आगे चल के ये जॉनी सिंह बन जाता है वापस से।